संडे सुबह मिस्टर रमन की डेथ हो जाती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे क्राइम सीन पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन मर्डर नाइफ पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। मर्डर रूम में मिले फिंगरप्रिंट्स रमन की सिस्टर शमा, भाई मनन और छोटा भाई श्याम से मिलते हैं। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से किसी ने उसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते हैं? मर्डर वेपन पे कोई भी निशान नहीं थे, मतलब खूनी स्मार्ट था, ग्लव्स पहनकर आया था। वो बाकी जगह अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों छोड़ेगा? मेहुल घर की अच्छे से तलाशी लेता है तो उसे किचन के डस्टबिन में ग्लव्स मिल जाते हैं। मेहुल समझ जाता है कि खून किसी घर के व्यक्ति ने ही किया है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? खूनी अगर कोई बाहर का आदमी होता तो वो खून करके भाग गया होता, घर के अंदर ग्लव्स नहीं फेंकता, और वो भी किचन में आके। मेहुल फिर घर के सारे लोगों से पूछताछ करता है। तीनों भाई बहन कहते हैं हम तो सुबह से रूम में ही थे। मेड कहती है वो ऊपर के रूम की सफाई कर रही थी। कुक कहता है वो तो सुबह से बीमार था, ऊपर वाले वर्कर रूम में सो रहा था। गार्डनर कहता है वो तो सुबह से ट्रीज में पानी दे रहा था, घर के अंदर आया ही नहीं है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। कैसे? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? रूम में देखिए पैरों के निशान है, वही पैरों के निशान किचन में भी है, और गार्डनर जहाँ पानी डाल रहा है वहीं पे गीली मिट्टी है जो पानी के वजह से हो गई है। अब कोई बाहर गया नहीं, मतलब मिट्टी सिर्फ गार्डनर के पैरों से ही अंदर आ सकती है, इसलिए खूनी गार्डनर है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली। पुलिस सड़क पर चेकिंग कर रही थी तभी वहां पर 3 गाड़ियां आती है। पहली गाड़ी वाला कहता है मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। दूसरा गाड़ी वाला कहता है मैं एक खुफिया एजेंसी में काम करता हूँ। और तीसरा गाड़ी वाला कहता है कि मैं एक टीचर हूँ। और तीनों अपनी अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? पुलिस को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा गाड़ी वाला झूठ बोल रहा है क्योंकि कोई भी खुफिया एजेंसी वाला अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, और उसने तो रिवील कर दी, मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो फेक है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। रमन सुबह सुबह चौराहे पे पहुंच जाता है। रमन के भाई ने बताया था कि उसे चौराहे पर पहुंचकर उत्तर दिशा में जाना है, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में। अब रमन कंफ्यूज हो जाता है कि उत्तर दिशा कौन सी है, लेफ्ट राइट या सीधी। तो लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं रोहन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चौराहे पर ध्यान से देखिए, सुबह हो चुकी है और सामने से सूरज निकल रहा है। अब सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है और नॉर्थ हमेशा ईस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, मतलब रमन को लेफ्ट जाना चाहिए। रमन ये समझ जाता है और लेफ्ट डायरेक्शन ले लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक बार्बर शॉप के बाहर जोरदार आवाज होती है और लाइट चली जाती है। आवाज कहाँ से आई देखने के लिए सभी लोग बाहर चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी का खून हो गया है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और सबसे पूछताछ करता है। ओनर कहता है मैं तो कैश काउंटर पे था, आवाज सुनकर बाहर चला गया था, जब वापस आया तो ये आदमी मरा हुआ था। स्टाफ मेंबर कहता है मैं तो इसी आदमी की कटिंग कर रहा था, मैं भी आवाज सुन के तुरंत बाहर चला गया था। एक और कस्टमर कहता है मैं तो मेरे नंबर आने का इंतजार कर रहा था, ये आदमी बहुत टाइम लगा रहा था। मेहुल सबकी बातें सुनता है और लाइट जाने से पहले के फुटेजेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी खूनी कौन है? आवाज के पहले जिसका मर्डर हुआ उसके हैज देखिए, थोड़ा टक्कल होना बचा हुआ था। और अगर स्टाफ मेंबर आवाज सुनते से बाहर चला गया तो पूरा टक्कल किसने किया? ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। घर में एक मर्डर हो जाता है। पुलिस को गले पर एक हाथ का निशान मिलता है, लेकिन खूनी ने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ना ही कोई सुराग मिल पाता है। उस समय घर पे 4 लोग मौजूद थे। पुलिस घर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है और समझ जाती है कि खूनी कौन हो सकता है। क्या आप ये सीसीटीवी फुटेज को देख के बता सकते हैं खूनी कौन हो सकता है, एबीसी या डी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए, 4th आदमी लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है और मरे हुए आदमी के गले में भी लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट बने हुए हैं, मतलब इसी आदमी ने उसे मारा होगा।
क्योंकि लेफ्ट हैंड से गला दबाने के लिए लेफ्ट हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए और केवल यही आदमी लेफ्ट हैंड से गला दबा सकता है क्योंकि ये लेफ्टी है। पुलिस इसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है। उसे तीन लोगों पे डाउट होता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो अपना मोबाइल चला रहा था, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो स्टॉप पे पानी पीने के लिए बाहर चला गया था, 10 मिनट बाद आया हूँ। तीसरा आदमी कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने कहा कि वो स्टॉप पर पानी भरने के लिए गया था और 10 मिनट बाद वापस आया है, लेकिन मेट्रो ट्रेन किसी भी स्टॉप पर 10 मिनट तक नहीं रुकती है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। उसकी चेकिंग करते हैं तो उसके पास बस मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक डॉग और एक गाय बराबरी में बहुत तेज दौड़ रहे थे। दोनों के दौड़ने की स्पीड एकदम बराबर थी। तभी सामने गन्ने का खेत आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं डॉग या गाय दोनों में से कौन सबसे पहले गन्ने के खेत को पार कर पाएगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भले ही दोनों के दौड़ने की स्पीड बराबर है, लेकिन डॉग की हाइट कम है तो वो गन्ने के खेत को बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेगा, लेकिन गाय बड़ी होती है तो वो फसल में अटक जाएगी और रेस में हार जाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन चारों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसे फांसी नहीं होने वाली है, ए बी सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डी वाली के हाथ खुले हुए हैं, मतलब इसे फांसी नहीं होगी। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।